Hi everyone, so we are back with another mock test revision that is day 17 और आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग की जिससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन ऑन लॉजिकल रीजनिंग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जैसे कि कल हमने आपको बताया था, कल हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के मेन टॉपिक एक्सप्लेन किए थे, सेम उसी पैटर्न में आज हम लॉजिकल रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट दी रिविजन। सो लेट्स स्टार्ट दी 17 डे रिविजन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है दैट इज़ फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। सो यहाँ पर हमें डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन आया है। इस पैटर्न में क्वेश्चन बहुत आते हैं इन UGC NTA NET एग्ज़ाम जहाँ पर सर्कल्स दिए जाते हैं लाइक वेन डायग्राम और यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से सर्कल में कौन सा सेक्शन है जो इसका पार्ट है या फिर कौन सा सेक्शन है जो इसका पार्ट नहीं होगा। सो यहाँ देखते हैं हमसे क्या पूछा है। द इंटरलॉकिंग सर्कल्स मीन्स ये जो जुड़े हुए सर्कल्स हैं ऐसे A, P, N, S वेयर A स्टैंड्स फॉर एनिमल्स। A किसके लिए स्टैंड किया गया है? फॉर animals, and P stand for peacocks and S stands for snakes. Different regions in the figure are lettered from A to F और यहाँ पर बोला गया है कि बाकी सारे जो यहाँ पर regions दिखाए हैं वो A to F तक मार्क किए गए हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये डायग्राम आप सबको समझ आएगी होगा। फर्स्ट वाला जो सर्कल है दैट इज द एनिमल्स, सेकेंड सर्कल इज पिकॉक एंड द थर्ड सर्कल इज स्नेक्स। और यहाँ पर जो ये जो सेक्शंस बनाए हैं इनके पार्ट्स दिखाए हैं और हमें इनसे अपना आंसर निकालना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन विच रिप्रेजेंट्स द एनिमल्स हु आर नीदर स्नेक्स नॉर पिकॉक्स। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो कौन सा रीजन है जिसको दिखाया गया है सिर्फ एनिमल्स, जो जहाँ पर ना ही पिकॉक पार्ट हो ना ही स्नेक पार्ट हो। सो दे आर आस्किंग अबाउट द रीजन जहाँ पर ना ही ये पार्ट हो ना ही ये। सो दिस रीजन इज दिस पार्ट बिकॉज या ये वाला जो पार्ट है ये हमको चाहिए कि ये इसका पार्ट ना हो। तो आंसर विल बी व्हाट? E। एंड वाई आंसर इज E बिकॉज E सेक्शन में ना ही पिकॉक आता है ना ही स्नेक आता है। Now the second question is the region which represents peacocks who are also snakes but not animals. So यहाँ अब इस डायग्राम में पूछा गया है कि वो रीजन बताइए जहाँ पर पिकॉक्स तो हो ही हो, स्नेक्स भी उसका पार्ट हो बट एनिमल्स उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोला है कि कौन सा सेक्शन नहीं आना चाहिए? दिस पार्ट, दिस सर्कल शुड नॉट बी देयर। तो कौन सा पार्ट है जो पिकॉक भी है और स्नेक भी है? दैट इज C बिकॉज यहाँ पर दोनों आ रहे हैं, बोथ आर मिक्सिंग। तो आंसर क्या होगा? C होगा। आंसर C क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर जो एनिमल्स हैं बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और जो पिकॉक है एंड स्नेक है दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, दे आर मिक्सड। सो द आंसर विल बी C। सो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें फॉर योर एग्जाम एंड ऐसे क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू ही सॉल्व हो सकते हैं। सो यू नीड टू स्टडी दी वेन डायग्राम क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज इफ द स्टेटमेंट सम डॉग्स आर कैट्स इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर कैट्स इज फॉल्स, अगर ये गलत है तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? देखिए हमारी जो लॉजिज्म की वीडियोस थी हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ अपोजिशंस दो तरीके के होते हैं। एक तो यूनिवर्सल लॉज लगते हैं लाइक कॉन्ट्रोडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी, सबल्टन लॉज एंड दूसरे होते हैं जहाँ पर एकदम अपोजिट लगाया जाता है। सो यहाँ पर सम आर का अपोजिट हमने आपको वीडियो में क्या बताया था? क्या होगा? नो एंड सम आर नॉट। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखा जाए, अगर सम डॉग्स आर कैट गलत है तो क्या सही होना चाहिए? नो डॉग्स आर कैट। सो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो कि आया भी है। सम डॉग्स आर कैट्स अगर गलत है तो क्या सही होगा? नो डॉग्स आर कैट्स। सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब जो स्ट्रक्चर होता है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का उसके रिगार्डिंग जो सही स्टेटमेंट है हमको यहाँ वो चूज करनी है। सो ऑप्शंस देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एप्टनेस ऑफ एग्जाम्पल्स, इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल वैलिडिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन मटीरियल ट्रुथ। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज एकदम ही अलग ऑप्शन दे दिया है। Second is it is based on examples, for it is based on formal validity, it is based on material. अब इन तीनों में से हमें आंसर निकालना है. अब देखिए जहाँ पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स की बात होती है वहाँ पर वैलिडिटी के को टेस्ट करने की बात ज़रूर आती है, वहाँ पर बात आती है कि वैलिड है या नहीं है. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बैठता है दैट इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल वैलिडिटी बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर. उसका जो स्ट्रक्चर होगा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का, वहाँ पर वैलिडिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. तो हमेशा याद रखिए वैलिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पार्ट से क्वेश्चन हर साल आता है फ्रॉम द एनालॉजी. एनालॉजी से क्वेश्चन हर साल आते हैं. सो यहाँ पूछा है इफ़ अ लार्ज डायमंड इज कट अप इनटू लिटिल बिट्स, अगर एक डायमंड को हल्का हल्का काट दिया जाए इट विल लूज इट्स वैल्यू जस्ट एज एन आर्मी इज डिवाइडेड अप इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ सोल्जर्स इट लूजेज इट्स स्ट्रेंथ. तो यहाँ देखिए ये इतना डायरेक्ट आया है ये एग्जाम्पल. यहाँ बोला गया है दैट अगर एक डायमंड को काटा जाए बार बार, इफ वी कट अ डायमंड इट विल लूज इट्स शाइन, इट विल लूज इट्स चार्म. उसी तरीके से अगर एक आर्मी को डिवाइड कर दिया जाए स्मॉल यूनिट्स में सोल्जर्स को, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो लूज हो जाएगी. अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कोई चीज़ समझाने के लिए दूसरी चीज़ का सब्स्टिट्यूट दिया है. और ये चीज़ कहाँ होती है? ये चीज़ डिडक्टिव में तो नहीं होती, इंडक्टिव में भी नहीं होती, कॉजल में भी नहीं होती, ये सिर्फ यहाँ होती है. सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर बिकॉज इस पार्ट से क्वेश्चन हर साल आते हैं फ्रॉम एनालॉजी. दे आस्क यू ऑलवेज कि दे विल गिव यू टू एग्जाम्पल्स एंड वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे मे बी लेक्सिकल, स्टिपुलेटिव, ये सारे के सारे विद दिस वन. सो यहाँ पर बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा. सो हमेशा याद रखिए जब भी बीच में लाइक यूज हो या फिर एज यूज हो, These are the part of the analogical questions. So यहाँ पर जब भी आएगा इसमें यही लगेगा. So this was the video on logical reasoning जहाँ से 5 questions ज़रूर आते हैं. And ये वाले जो 5 questions हमने अभी solve किए हैं यही parts में question आएंगे. 1 question will be from analogy and 1 question or 2 question will be from Venn diagram and 2 question will be from syllogism. So यहाँ से 5 question बन जाते हैं that is your 10 marks. So ये question prepare ज़रूर करें for your UGC NTA NET exam. And also to know about the courses and exams you can always click the link जो कि आपकी स्क्रीन में राइट साइड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.